हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। ये वीडियो काफी खास होने वाली है इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि काफी निवेशकों के बड़े क्वेश्चन आ रहे थे क्या डेल्टा कॉर्प लिमिटेड जो है यहाँ से स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जैसा कि कल के दिन कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट घोषित किए हैंगे और रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे आए हैं। उसके बावजूद भी आज के दिन स्टॉक ने 148 रुपीज का हाई लगाया और ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अगर आप भी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के निवेशक हैं या फिर आप इस स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफी खास होने वाली है। सबसे पहले हम डेल्टा कॉर्प की कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि स्टॉक का मार्केट कैपिटल कितना है, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहेगा और कंपनी में जो ये न्यूज निकल कर आ रही है उससे कंपनी के स्टॉक के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले देखिए तो आज के दिन इस स्टॉक में 148 रुपीज का हाई लगा और वहां से स्टॉक में अराउंड अब देखें तो 5 रुपए से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है और स्टॉक का जो करंट मार्केट कैपिटल है वो 3818 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा। स्टॉक का करंट प्राइस 143 रुपीज, स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया 260 रुपीज और अभी देखें तो स्टॉक का 143 रुपीज का प्राइस चल रहा था, अराउंड 100 रुपए से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया का 133 रुपीज, जहां से स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का आरओसी देखे तो 16.3% है जो कि कोई बेकार नहीं है, काफी अच्छा आरओसी देखने को मिलेगा। स्टॉक का फेस वैल्यू है 1 रुपीस। डेल्टा कॉर्प Q2 रिजल्ट, प्रॉफिट राइजेस 1.7, रिवेन्यू अप 0.23%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1.7% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहीं रिवेन्यू में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें कंपनी ने 69.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है जो कि काफी बेटर प्रॉफिट दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये कंपनी के लिए काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। उसके बावजूद भी आज के दिन इस स्टॉक में एक सुबह के दिन तो एक बड़ी रैली देखने को मिली परंतु स्टॉक के ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जैसा कि अगर आप इसे स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई लगा 260 रुपीज, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक का नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना 133 रुपीज, 133 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल लगा और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजिशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अराउंड 133 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 175 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में रुकावट रेंज 175 रुपीज, जहां पर स्टॉक काफी टाइम तक एक सपोर्ट ले रहा था परंतु जैसे स्टॉक में बड़ी बैड न्यूज आई कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर काफी बड़ा जीएसटी दिया, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब जब तक ये स्टॉक 133 रुपीज से ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, परंतु स्टॉक जैसे ही 133 रुपीज से नीचे गिरता है इस स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।